प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दे रही है, जिसके लिए मंडलायुक्त, DIG, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित सभी आला अधिकारियों से प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से 11 बजे तक अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जन समस्याओं को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने की अपेक्षा की गई है। यह जानकारी प्रभारी जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शासन ने जन शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण अधिकतम 15 दिन के अंदर करते हुए निस्तारण की स्थिति से आवेदकों को तत्काल अवगत कराने का निर्देश दिया है। बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्राप्त जन शिकायतों एवं उसके निस्तारण संबंधी सूचना पाक्षिक रूप से प्रत्येक माह की 16 तारीख तक, द्वितीय पक्ष की सूचना आगामी माह की 1 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराई जाए, जिससे जनपदवार प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं निस्तारण की स्थिति मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। दीवानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र और मंत्री विनय यादव की कार्यशैली से संघ के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य खफा हैं। मंगलवार को पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अध्यक्ष व मंत्री पर मनमाने और उपेक्षापूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए संघ के संरक्षक को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वालों में सहमंत्री प्रथम चंद्रशेखर यादव, सहमंत्री तृतीय शशांक शेखर दुबे, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य नायब यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार यादव, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रामनयन यादव, मनोज कुमार सिंह, ऑडिटर जय जय राम प्रजापति, सहमंत्री अब्दुल रहमान, मुखराम यादव, अशोक कुमार पांडे, अनूप मिश्रा, अशोक कुमार राय, ओमकार आदि शामिल हैं। हमारे बार के मंत्री और अध्यक्ष इतनी मनमानी कर रहे हैं, कभी कार्यकारिणी को विश्वास में लिया ही नहीं। कभी कितने कार्य हो रहे हैं, यह सारे कार्य उन्होंने वह मनमाने ढंग से कर रहे हैं। कभी भी कार्यकारिणी को विश्वास में नहीं लिया, ना कुछ बताने की आवश्यकता समझी, तो इससे क्षुब्ध होकर के सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे बार के अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा और मंत्री विनय यादव द्वारा जो भी कार्य बार में कराए जाते हैं बिना कार्यकारिणी के मीटिंग या किसी विचार के, स्वतः अपने द्वारा ही कराए जाते हैं। कार्यकारिणी का कोई उसमें रोल नहीं होता, जिसके विरोध में आज हम कार्यकारिणी के 17 लोगों ने अपना इस्तीफा एल्डर कमेटी को दिया है। मंगलवार से पूर्वी जोन PSC की 21वीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। 20वीं वाहिनी PSC के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ सेनानायक 20वीं वाहिनी PSC अजय कुमार सिंह ने समारोह पूर्वक किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही पूर्वी जोन की 11 बटालियन की टीमों ने सेनानायक को सलामी दी। सेनानायक ने कबूतर को छोड़ और गुब्बारों को उड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। आप आज इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि आई पर लाने की कृपा करें। इस बात का संकेत के ग्राउंड में अपना कर्तव्य दिखाने को तैयार है सर्वप्रथम मेजबानी कर रही प्रतियोगिता की 20वीं वाहिनी PSC की टीम द्वारा कैप्टन अनूप सिंह द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम।
और इसके बाद 4 बटालियन के 3 कैप्टन एनुल झा द्वारा महोदय का मान प्रणाम। 12 दैनिक पीएसी के 3 कैप्टन किरण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम। और इसके बाद 26 दैनिक पीएसी के अवधेश शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम। इसके बाद 33 दैनिक पीएसी के हर्ष गुप्ता बहुत ही सुंदर कमान बहुत ही अच्छा मान प्रणाम मुख्य अतिथि महोदय का। बहुत सुंदर तालियां बजाकर जोरदार तालियां बजा। मैं 21वीं पीएसी पूर्वी जोन की अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता वर्ष 2017 का शुभारंभ घोषित करता हूं। तालियां बजा। प्रतियोगिता का पहला मैच 42वीं बटालियन नैनी और 4th बटालियन धूमनगंज के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच हुए शानदार खेल के बीच 4th बटालियन धूमनगंज ने 4 गोल से मैच जीतते हुए उसे अपने नाम किया। देवेंद्र प्रताप द्वारा अच्छा प्रवाह प्रयास अच्छा मूव अच्छा पास बयालीस यानी पीएसी के खिलाड़ी द्वारा अच्छा प्रयास सतत प्रयासरत अमित सिंह बहुत ही सुंदर पास देवेंद्र प्रताप। जिला चिकित्सालय को मिले 2 अत्याधुनिक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की उच्च स्तरीय सुविधाएं लोकार्पण अवसर पर ही उस समय पानी पानी हो गई जब इसके वाश बेसिन से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। लोकार्पण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने स्वयं यह अव्यवस्था देखी। एम्बुलेंस कर्मचारियों को हिदायत दी कि इस प्रकार की कोताही दोबारा कतई न होने पाए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस सर्विस ALS की अत्याधुनिक आपातकालीन एम्बुलेंस की सुविधा जनपद को प्रदान की है। इस एडवांस एम्बुलेंस में कार्डिक मॉनिटर वेंटिलेटर स्ट्रेचर सहित सभी जीवन रक्षक उपकरण दवाएं व विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपलब्ध रहेगी। सीरियस मरीजों को यह पिकअप करेगी और जरूरी इलाज तत्काल मुहैया कराते हुए उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाएगी। आजमगढ़ को 2 ALS एम्बुलेंसेज मिली हैं। इसका पूरा नाम है एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंसेज। इन एम्बुलेंस की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एयर कंडीशन है और इसमें जीवन बचाने के लिए सभी जीवन रक्षक उपकरण लगे हैं। लेकिन इन गाड़ियों का उपयोग उन्हीं के लिए होगा जो कि गंभीर रूप से बीमार होंगे और जिनके जीवन को बचाने के लिए बहुत इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल होगा। साधारण लोगों के लिए हमारे पास ऑलरेडी 108 और 102 है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसमें सभी कुछ हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, इसमें वेंटिलेटर है, इसमें 3-4 तरह के वो हैं, हाँ कई सारे, मतलब जो भी जीवन रक्षक उपकरण होने चाहिए एक वाहन में वो सब इसमें उपलब्ध हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा राज्य सरकार के द्वारा आरम्भ की गई है। हाँ, और दो दिया गया है जनपद को। इसका जो तरीका होगा इसको प्राप्त करने का, इसका वही है जैसे 108 नंबर पर फ़ोन करके, और इसको वहाँ लखनऊ फ़ोन जाएगा, लखनऊ से फिर आपको जो यहाँ के CMS है उनको बताया जाएगा और फिर CMS डिसाइड करेंगे कि ये जीवन रक्षक प्रणाली के आधार पर आवश्यकता है पेशेंट को कि नहीं है, वो डिसाइड करेंगे, तब ये गाड़ी जो है रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी। We'll be right back.
माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की नई जनपदीय कार्यकारिणी का गठन हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की मंशानुरूप गठित समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंगलवार को राहुल चिल्ड्रन एकेडमी कैंपस में हुई एक विशेष बैठक में नए नामों की घोषणा की। नए पदाधिकारियों में कमलेश राय को जिलाध्यक्ष तो युवा शिक्षक विजय कुमार सिंह को जिला मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा परशुराम यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मंगलवार को हुई विशेष बैठक में प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य दिवाकर तिवारी, वरिष्ठ नेता रविन्द्रनाथ राय, वशिष्ठ सिंह, ध्रुव मित्र शास्त्री, पूर्व अध्यक्ष राम बिहारी सिंह व कल्पनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत हुआ और उम्मीद जताई गई कि शर्मा गुट एक बार फिर आजमगढ़ सहित समूचे पूर्वांचल के माध्यमिक शिक्षकों को एकजुट कर संगठन को नई ताकत देगा। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली, वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन दिलाने सहित कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। नए जिलाध्यक्ष कमलेश राय ने कहा कि संगठन ने जो दायित्व सौंपा है उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊंगा। हमें अध्यक्ष पद दिया है और मैं उसके अनुरूप हम लोग अपने सदस्यों के साथ सबसे पहले जो वित्तविहीन के हमारे शिक्षक हैं भाई, उनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, जो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी उसके लिए प्रयासरत है। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और शेष जनपदीय समस्याओं को हम अपने अनुभवी जो हमारे गुरु के समान बड़े वरिष्ठ लोग हैं उनके सहयोग से जनपद की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करें। शर्मा गुट के शिक्षकों में भी अब नया उत्साह है, नई लहर है। निर्वाचन समिति के सदस्य व वरिष्ठ शिक्षक नेता दिवाकर तिवारी ने ABC चैनल को बताया कि जनपदीय पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं, जल्द ही एक शपथ ग्रहण समारोह भी कराया जाएगा। आज आजमगढ़ के संगठनात्मक निर्वाचन संपन्न होना था, जिसके लिए 21 तारीख को वेसरी इंटर कॉलेज में आजमगढ़ की जिला परिषद की बैठक हुई। जिला परिषद की बैठक में निर्वाचन अधिकारी भी मऊ के अध्यक्ष श्री जयनारायण दुबे जी उपस्थित थे। वहां सर्वसम्मत से उपस्थित अध्यापकों ने कहा कि एक समिति बना करके उसका निर्वाचन करा दिया जाए जिले का, और समिति में जनपद के वरिष्ठतम लोगों को रखा जाए, जिसमें 5 लोगों की समिति बनी। मेरे अतिरिक्त श्री ध्रुव मिश्र शास्त्री, श्री वशिष्ठ सिंह, श्री डॉक्टर रविंद्रनाथ राय जी और मुन्नू यादव जी रखे गए थे। हम लोगों ने कई बैठक करके जनपद में और काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक समिति का गठन किया है। उसी के अध्यक्ष आज ही उस समिति का पूरा गठन हुआ है, इसको प्रदेश को भेज दिया गया है और निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर भी करा दिया गया है, जिसमें हमारे यहाँ बगल में खड़े हुए कमलेश राय जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, हमारे ये विजय कुमार सिंह जी हमारे जिला मंत्री निर्वाचित हुए हैं निजामाबाद के, और श्री परशुराम यादव जी को उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त 6 उपाध्यक्ष, 6 संयुक्त मंत्री और 1 आय व्यय निरीक्षक और 17 सदस्य जो हैं वह कार्यकारिणी के चुने गए हैं। इस प्रकार 33 सदस्यीय जनपदीय समिति का निर्वाचन हुआ है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो हमारे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री हैं, मंत्री जी हैं, इन लोगों को आज इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जनपद है, बड़ा है, काम पर्याप्त है और हम लोग जल्दी ही एकाध सप्ताह के अंदर ही एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक के सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उसने पूरा विश्वास है कि कमेटी जो है जो बनाए हैं यह संगठन को नई दिशा प्रदान करें। रविवार की रात आई तेज आंधी ने तेजी से पटरी पर आ रही बिजली सप्लाई व्यवस्था को पूरी तरह बेपटरी कर दिया।
कई स्थानों पर खंभे व तार टूट जाने से सोमवार को सप्लाई ठप रही तो वहीं दूसरे दिन मंगलवार को स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। हालांकि मातनपुर फीडर से जुड़े कई मोहल्ले मंगलवार को भी विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर थे। घरों में पानी नहीं मिला तो भीषण गर्मी में लोग पसीना पसीना थे। बिजली विभाग के अफसरों के यहाँ फोन कर शिकायत दर्ज कराते रहे, लेकिन स्थिति में सुधार न के बराबर। जो वर्तमान में बिजली पर समस्या है, जो मेरे संज्ञान में आया, जो मैंने बिजली विभाग से पता किया था, तो इधर जो दो तीन दिन से गड़बड़ हुई है, तो ये तो एक पीछे आंधी तूफान आने से उन्होंने बताया था। उसके पूर्व में ये बताया गया कि कोई एक नया ट्रांसफार्मर लग रहा है, जिसके कारण थोड़ा बिजली में व्यवधान है। जब ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो ये आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, कोई व्यवधान नहीं रहेगा। काफ़ी दिनों से तो बिजली की समस्याओं से हम निजात पाए हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से बिजली की समस्याएँ इतनी कटती चली गई कि हफ्तों से लोग घर में सो नहीं पा रहे। दैनिक क्रियाकर्म करने में उनके लिए पानी की समस्याएँ हो रही हैं, पानी सुलभ नहीं हो पा रहा है। जिनके यहाँ समरसेबल है उनके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जनरेटरों की व्यवस्था हो रही है, रात भर बिजली नहीं रहती, इसलिए पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, हर आदमी को नींद पूरी तरह से आ नहीं पाती है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। विभाग के बड़े अफसर मेहनत कर भी रहे थे कि लेकिन आंधी ने ऐसा ब्रेक लगाया जो हाल फिलहाल संभल नहीं पा रहा है। तो कैसे और कब होगा व्यवस्था में सुधार, यह जानने के लिए एबीसी चैनल ने बात की बिजली विभाग के मुख्य अभियंता पीपी सिंह से। उन्होंने बताया कि तेज आंधी थी, नुकसान ज्यादा हुआ है। हालांकि विभाग के जेई व अन्य अफसर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जल्द ही आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर भी लग रहा है, इससे और स्थिति बेहतर होगी। विगत रात्रि में बहुत जोरदार आंधी और पानी आई थी, जिससे जगह जगह खंभे और तार टूट गए हैं, और एक साथ ही पूरे आजमगढ़, मऊ जनपद और बलिया में तीनों जगह आई थी, आपको संज्ञान में ही है। कल अथक प्रयास से हमारे कर्मचारियों ने काफ़ी हद तक जो है इस पर प्रभावी नियंत्रण पा दिया और शहर के तमाम हिस्से चालू कर दिए। एक दो जगह जहां मैसिव पोल टूटा है, एक साथ पाँच पाँच चार चार पोल टूट गए, टूटा हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है। उम्मीद है कि आज शाम तक सब नॉर्मल हो जाए। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि लाइन कम आने का एक वजह यह भी है कि जो 500 MVA का ट्रांसफार्मर हमारा जो है लग रहा है वो हाफिजपुर में, उसकी वजह से रोस्टिंग शेड्यूल में परिवर्तन हो गया है और कभी कभी कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि हम हरहुआ से ले रहे हैं बिजली इस समय, हरहुआ सारनाथ से, और सारनाथ से लेने के कारण उधर से लो वोल्टेज मिल रहा है आपको, तो थोड़ा लो वोल्टेज भी प्रॉब्लम आई है, ये भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब ये जल्दी ही 30 अप्रैल को ये 500 MVA का ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाएगा, तो आपको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलने लगेगी। सुकमा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कायराने हमले में शहीद हुए 25 जवानों को मंगलवार को भारत रक्षा दल ने श्रद्धांजलि दी। कुंवर सिंह उद्यान में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने भारत सरकार से नक्सलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के भीतर के गद्दारों के खात्मे के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए, अभियान चलाकर इनका सफाया करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक सुकमा जिला है, जहां पर हमारे कल 25 शहीद जवान जो है जवानों का हत्या किया किए नक्सलियों ने, उस पर बड़ा कष्ट हम लोगों को, दिल समझिए रो पड़ रहा है। कारण यह है कि मैंने आजकल हमारे फौजी जो हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, लग रहा है कि केवल मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं। ये हमारी कौन सी राष्ट्रनीति है यह सरकार चला रही है? आप प्रतिदिन देखिए फौजी मारे जा रहे हैं, आखिर एक कैसी इन लोगों का कौन सा यह प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसपे नक्सली आतंकवादी यह बढ़ते जा रहे हैं। रही बात
कि हमको जितना बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं, आज हमारे भीतर जो देश, हमारे देश के भीतर जो गद्दार हैं उनसे हमको ज़्यादा खतरा है। तो हमारी सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए कि इनको तुरंत इनकी सफाया हो, नहीं तो हमारे फौजियों का देख रहे हैं आप, दिन पे दिन कश्मीरी पीटते जा रहे हैं, मौन है, पता नहीं ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं। आज अमेरिका का एक सिपाही मारा जाता है और देश विध्वंस कर दिया जाता है, और हमारी सरकारें सोती रहती हैं, बड़ा कष्ट होता है। हम लोग चाहते हैं कि जितने नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, सबको फांसी दिया जाए, सबको तुरंत तत्काल अभियान चलाकर तत्काल उनको समाप्ति किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुलबाज बहादुर गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी ने घर में ही फांसी का फंदा बनाया और झूल गई। यह घटना मंगलवार की सुबह तकरीबन 6 बजे की है। किशोरी ने आत्महत्या क्यों किया, इसका कारण माँ बाप को भी नहीं मालूम। मिली जानकारी के अनुसार कुलबाज बहादुर निवासी गीतराज रिक्शा चलाता है और उसकी पत्नी आसपास के घरों में बर्तन मांजती है। उसकी सबसे छोटी बेटी 16 वर्षीय सरिता पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर पर ही रह रही थी। पिता का कहना था कि मंगलवार को हम पति पत्नी काम पर चले गए थे, वापस लौटी मां ने देखा तो बेटी सरिता फांसी का फंदा लगाकर झूल गई थी। सुबह हम लोग अपने अपने काम पर गए और उधर से आने पर मान ला, आने के बाद खोजल गल ना मिले तो वहां मान ला यह पौनी अंदर लटकर लटकर। किशोरी ने आत्महत्या क्यों किया किसी को नहीं मालूम। पिता की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घटना का कारण अब पुलिस की छानबीन में ही पता चल सकेगा। नए नियम, नए मानक और नए कानून के खेल में इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालक अभिभावकों का जबरदस्त शोषण करते जा रहे हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अफसरों ने सख्त निर्देश तो दे दिया है कि री एडमिशन के नाम पर आर्थिक दोहन न किया जाए। इस फरमान को सही ढंग से लागू कराने के लिए अभिभावक महासंघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मंडलायुक्त नीलम अहलावत से भी मिला। महासचिव गोविंद दुबे ने पूर्व में अफसरों द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रतियां उन्हें सौंपी और कहा कि कई स्कूल संचालक अभी भी मनमानी पर उतारू हैं। मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने अभिभावक महासंघ के जरिए सभी अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि स्कूल संचालकों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी, शासन और CBSE की गाइडलाइन के अनुसार ही फीस लिया जाए। इसके अलावा स्कूल कैंपस में कापी किताब ड्रेस जूते और बैग की बिक्री तो कतई नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त कार्यालय पर ABC चैनल से हुई बातचीत में महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि पूर्व में ही अफसरों ने दिशा निर्देश दे दिया था लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। अब अभिभावकों का पूरा समाज इस शोषण के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब हम प्रमाण के साथ शोषण कर रहे स्कूल संचालकों के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएंगे। आज ये ज्ञापन हम आजमगढ़ मंडल कमिश्नर के यहाँ निजी विद्यालयों की मनमानी फीस और अवैध वसूली के लिए उसकी रोकने के लिए आज दिया गया है। यहाँ पे अभी हाल में 23 फरवरी को ADM वित्त एवं राजस्व ने एक दिशा निर्देश जारी किया था सभी विद्यालयों के लिए कि पुस्तकें NCERT की और अनियमित शुल्क न वसूले जाएं। इसके बाद पुनः 21 अप्रैल को DIS आजमगढ़ ने भी एक दिशा निर्देश जारी किया सारे विद्यालयों को। उसके बावजूद भी सारे विद्यालय और जिला प्रशासन, मुझे लगता है कि शिथिल है कि CBSE और ICSE की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है और अभिभावक दोहित हो रहे हैं। ये बताया गया कि अगर एडमिशन नहीं कराते हैं, एडमिशन किस चीज़ का, बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं तो उसको सिर्फ
पदोन्नति या प्रोन्नति करके दूसरे क्लास में उनको आप फीस लेके उनको पढ़ाने का काम करें, उसमें एडमिशन का और रेनुअल और सेशन का नाम कहाँ से आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब गार्जियन विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ FIR करने पे उतरने वाला। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ के द्वारा रसोइयों के हक अधिकार को लेकर मंगलवार को रसोइयों ने जिला मुख्यालय स्थित मेहता पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान वक्ताओं ने रसोईया पद पर हो रही हर वर्ष नियुक्ति पर रोक लगाने, बच्चा अनिवार्यता समाप्त किए जाने, मानदेय सीधे खाते में भेजे जाने, रसोइयों को NGO से सुरक्षित रखने एवं MDM कार्यरत रसोइयों से बनवाए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की। मार्ग दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के उद्देश्य के साथ जनपद का यातायात विभाग अब जन जन को जागरूक करने के लिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। शासन और DGP के निर्देश पर विभाग 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस क्रम में मंगलवार को विभाग ने नरौली क्षेत्र में कैंप लगाकर वाहन चालकों, ट्रक यूनियनों के लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात हफीजुर रहमान ने वाहन चालकों से सड़क अनुशासन का पालन करने की अपील की। इसके लिए धीमी गति से वाहन चलाने, हॉर्न का प्रयोग बेवजह न करने, गाड़ियां पार्किंग में ही खड़े करने, वाहन हेलमेट अथवा सीट बेल्ट पहनकर चलाने, ओवरलोडिंग से बचने, नशे में वाहन न चलाने सहित तमाम बातें बताई और समझाई गई। जनपद की और शहर की ठीक करने के लिए, उसमें सुधार और बेहतर करने के लिए समय समय पर हम लोग ट्रैफिक का अभियान चलाते रहते हैं, अतिक्रमण हटाने का, पार्किंग का और चालान समन कार्रवाई का। उसी कड़ी में DGP महोदय का निर्देश है, शासन के भी निर्देश हैं, ये सड़क डिसिप्लिन बेहतर करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान ये 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ये चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने टेम्पो एसोसिएशन और ड्राइवर लोगों का, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो, जीप, इन ड्राइवरों के साथ टेम्पो एसोसिएशन और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि ओवरलोडिंग नहीं चलेगी, डग्गेमार वाहन नहीं चलेंगे दो, और जो है समय समय पर हम कार्रवाई करेंगे। नंबर इनका साफ नंबर प्लेट लिखा रहना चाहिए और नंबर प्लेट के अलावा और भी टेम्पो या जीप के आगे पीछे कोई स्लोगन या कोई चीज़ें ऐसी, नाम या और सब कोई आप नहीं लिखा जाना चाहिए, जो नियम है उसी के हिसाब से रहना चाहिए। और टेम्पो पर ड्राइवर के दाहिने राड को भी बिल्ड कराने के लिए और बीच की जो सवारी बैठती है वो दाहिनी तरफ वहाँ भी कराने के लिए, तो ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुर्घटनाएँ कम हों, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज सब हम लोगों ने ये बैठक किया और इस पर काफ़ी ये बैठक सफल रही। सब लोग बेहतर करने के लिए, सहयोग करने के लिए सभी लोगों ने आश्वासन दिया।